बेल हमें जाने नहीं दे रहे हैं। अरे 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 आसिल को देख के चला गया, कंटेंट मिल गया सिर तुम्हें। अरे वो कचरा कहाँ चला गया, पाटला ना घाबरले पहले। अरे वाह इतनी देर से चला गया। देखते देखते वीकेंड आ गया। मॉनसून में प्रकृति कितनी सुंदर दिखती है ये एक्सपीरियंस आपको पुणे में ही पता चलेगा। सो मैं और मेरे दोस्तों ने इस बार पावना लेक एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। नीले आसमान में मंडराते सफेद बादल, बादलों को चीर के निकलता सूरज की रोशनी, कितना खूबसूरत था नजारा। और साथ में मेरे तीन दोस्त उन लम्हों को यादगार बनाने के लिए मेरे साथ थे। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रहा था हमारा एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ता जा रहा था। ऊपर वाले की सबसे बेहतरीन कारीगरी आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगा। यकीन ना हो तो बस एक बार यहाँ आके देखिए, कुदरत का ये अनोखा रूप आपको अपना दीवाना बना देगा। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि मानो धरती में ही स्वर्ग में आप पहुंचे हो। इस माहौल में रस्ते में छोटे से होटल में अगर मिसल पाव मिल जाए तो क्या बात है। इंसान के बेस्ट फ्रेंड माने जाने वाले इन बेजुबान जानवरों को भी जब भी मौका मिले कुछ खिला दिया करें, भूख उनको भी लगती है। नाश्ता करने के बाद फिर हम निकल पड़े एंड फाइनली डेस्टिनेशन में पहुंच गए। फिर मैंने अपना क्वीन को निकाला ताकि वो ऊपर आसमान से इस जन्नत का नजारा अपने आंखों में कैद कर सके। अरे गोल गोल घुमा रहा है। कुदरत के इस बेहतरीन वादियों में कुछ हसीन पल बिताने के बाद, कुछ सुनहरी यादों को अपने मन में समेटने के बाद हम फिर वापस चल पड़े पुणे की ओर। इंतजार करिएगा अगले हफ्ते एक और जन्नत की सैर करने के लिए मेरे साथ। साइनिंग आउट सिद्धिनाथ।